सो so Khwaja सराज एंड द मुस्लिम एम्पायर इन द साउथ एशियन रीजन आर लाइक दिस दे exist alongside each other. अदर can द फर्स्ट आप पहले ये वाली बात याद रखिए कि जो आपके पास मुस्लिम एम्पायर्स थे उस जमाने के दे वर नॉट वॉट वी वुड कॉल सुनी ऑर्थोडॉक्सी राइट नाउ अच्छा वह बड़े आपके पास मोलाई थे अच्छा। मैं शिया की टर्म यूज नहीं कर मैं मोलाई की टर्म यहाँ पर यूज़ करूंगी ख्वा वो लखनऊ अवध के हों mm. या ख्वा वो हैदराबाद दकन के हों लखनऊ से लेके अवध तक आपके पास जो कुछ चल रहा था वो बेसिकली आपके पास इट वॉज वेरी मोलाई इट वॉज वेरी इमाम हुसैन इट वॉज वेरी अली ऑल ऑफ दैट अच्छा द फर्स्ट इमाम बारगा इन साउथ एशिया वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई अच एग्जिस्ट वेरी डेट सो लखनऊ

सो एनशंट हिंदू कल्चर्स के अंदर और जितने भी हमारे पास वेदिक और आ, रिवर इंडस के अक्रॉस के हमारे कल्चर्स रह चुके हैं वहाँ पे द आइडिया ऑफ जेंडर फ्लुडिटी या द आइडिया ऑफ जेंडर नॉन बाइनरी या आइडिया ऑफ द खुसरा और इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर वॉज ऑलवेज़ वेरी रिस्पेक्टेड कि जी इनके अंदर खुदाई ताकतें हैं क्योंकि मर्द मर्द है औरत औरत है और इनके अंदर दोनों ताकतें या दोनों का आंसर किसी तरीके से मौजूद है ये भी हमने सुना है बहुत ज्यादा कि इनकी दुआ कबूल होती है और भी कबूल और वो वाली बात वहां से ही आती है एंड आइडिया के मैन वन इस्लाम के मैन वो पूरी की पूरी एक होगी तो पर्जा से सेंट्रल एजिया से और उस जमाने में जो ऑटोमन ऑटोमटर्क थे उनका जो अपना अपना एक पर्टिकुलर कल्चर था यूनिक्स hmm. का या ख्वाजा सराओं का हर इलाके का अपना कल्चर था वो यहाँ पे आके मर्ज हुए और एक डिस्टिंक्ट ख्वाजा सरा कल्चर इमर्ज हुआ हिजड़ा अच्छा। कल्चर तो पहले था ही था लेकिन अब इसके ऊपर ख्वाजा सरा कल्चर भी इमर्ज हुआ ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट डिफरेंट है हिजड़ा इज द बेस ओके हिजड़ा इज द कोर ओके कि ये हमेशा से मौजूद रहा है यहाँ पे ओके हिजड़ा के ऊपर एक फर्दर एवोल्यूशन है ख्वाजा सरा कल्चर की विच इज द इस्लामाइजेशन ऑफ द हिजड़ा कल्चर अच्छे हिजड़े तो पहले से मौजूद थे लेकिन जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया और उन्होंने इस्लाम अडॉप्ट किया और अपनी प्रैक्टिस को इस्लामिक बनाया तो ये ख्वाजा सरा बन गए ख्वाजा गरीब नवाज़ के मानने वाले या सराओं के ख्वाजा जो रास्ते में ट्रैवलर्स की जो प्लेसेस होती थी उनको मेंटेन करने वाले